सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आप लोगों में सारे बच्चे यही सोच रहे हो कि सेमेस्टर थ्री में मेरा सप्ली है और सेम फाइव मेरा एग्जाम है। अब हम फाइव और थ्री दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करें, हाउ टू मैनेज सेमेस्टर फाइव अलॉन्ग विद सेमेस्टर थ्री, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट यू ऑल आर आस्किंग। अब सारे बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं कि फाइव को थ्री के साथ मैनेज कैसे करें। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, पहले तो आप ये देख लीजिए कि सेमेस्टर थ्री में आपका कितने पेपर में सप्ली है। मैं एक एक पेपर सबका बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप लोगों को काम में से किसी का आईटी में सप्ली है तो आप कुछ मत करिए, कोचिंग का जो पीडीएफ दिया हुआ है अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स में उसको रीडिंग मारने का है, रफली एक बार उस पर क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेंगे, एग्जाम में चले जाएंगे। अगर आईटी में कोई सप्ली हो तो आप तो उसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो। एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम से दो दिन तीन दिन पहले लाइव क्लासेस आपका भाई देगा पूरा सिलेबस का, उसके बाद उसमें पेपर सॉल्व कराएंगे, जाके एग्जाम में बैठ जाना। अगर किसी का आईटी में सप्ली है तो बात समझिए, सप्ली कैंडिडेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ्स और अकाउंट्स में सप्ली है तो यू हैव टू पुट एफर्ट फ्रॉम राइट नाउ। अगर मैथ्स और अकाउंट्स में सप्ली है आपका सेम थ्री में तो आपको अभी से एफर्ट देना होगा, आप लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपका तो ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, आप अपना बैठ बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए स्कैनर से डेली बेसिस में, रोज आधा घंटा करके। अगर आप मैथ स्टैट्स में और आधा घंटा मान लीजिए अकाउंट्स में देते हो तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। और अगर किसी एक में ही सप्ली है या मैथ्स में या एक अकाउंट्स में तो एक एक करके करिए, एक एक घंटा करके टाइम दीजिए, एवरी डे दीजिए प्लीज़, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए नहीं तो फंस जाओगे। अच्छा, आप लोग में कुछ बच्चे सोचते हो कि क्या सप्ली वाले स्टूडेंट को इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है, तो आंसर है नो, सप्ली वाले स्टूडेंट को इंटरनल एग्जाम देने का दरकार नहीं, क्लियर है गाइस। और आईएफएस में अगर सप्ली है तो उसको कुछ मत करिए, कोचिंग का बुक या कोई भी सिलेबस का बुक खरीद लीजिए और डेली बेसिस में आधा घंटा रीडिंग करिए बस। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई होप दिस गाइडलाइंस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर सेमेस्टर थ्री एज वेल एज सेमेस्टर फाइव। सेमेस्टर फाइव तो चल रहा हो तो कर ही रहे हो, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक कहीं भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो फिर मेरा नंबर लिख लीजिए 9874411152, मारिए मैसेज और बहुत ही कम फीस में ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस आपको मिल जा रहे हैं, फिर वेट मत करिए प्लीज़, जल्दी ज्वाइन करो। चलो मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो, हम तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए मैसेज।